नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइस, नेक्स्ट जनरेशन डिजायर के लॉन्च होने से पहले इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन है वो लीक हो चुके हैं। इस गाड़ी के अंदर मारुति हमें नया इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करवाने वाली है जो 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन रहने वाला है एंड 1196 cc का रहेगा। माइलेज की बात करें तो इंजन आपको 24.8 kmpl से लेकर 25.75 kmpl तक की माइलेज है वो निकाल के देने वाला है। इस गाड़ी के पावर की बात करें तो ये गाड़ी आपको 80 bhp की पावर और 112 Nm तक का टॉर्क आपको ये गाड़ी का इंजन है वो प्रोवाइड करवा के देगा। ये आपको पेट्रोल और सीएनजी के अंदर दोनों के अंदर मिलने वाला है, डीजल के अंदर डिजायर नहीं आएगी। एंड साथ ही इस गाड़ी के ट्रांसमिशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर मारुति हमें 5 स्पीड का मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन वो मिलने वाली है। AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन को कहा जाता है। इस गाड़ी के साथ में कई सारे फैशन सेगमेंट फीचर भी मारुति हमें प्रोवाइड करवाने वाली है, जिसमें सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, Level 1 कार्डा सिस्टम, साथ ही अंदर की ओर वायरलेस चार्जर का फंक्शन जैसे फीचर वो इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं। इस गाड़ी के अंदर मेजरली बाहर और अंदर की ओर बड़े चेंजेस वो किए गए हैं। उन चीज की बात करें जिनको कंटिन्यू रखा जाएगा, जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, उनमें सबसे बड़ा सीट्स को लेकर है। आपको फैब्रिक सीट्स मिलने वाली है, लेदराइट सीट्स नहीं मिलेंगी। साथ ही बाहर और अंदर की ओर बड़ा चेंजेस किया गया है, आपको नए हेडलैम्प, टेल लैम्प, फोग लैम्प वो मिलने वाले हैं। साथ ही अलॉय व्हील की डिजाइन है वो नई मिलने वाली है। इंटीरियर में जो डैशबोर्ड लेआउट है वो आपको नया मिलने वाला है, डुअल टोन का आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। सामने की जो टच स्क्रीन है वो भी आपको बड़ी मिलने वाली है, पुरानी में 7 इंच की मिलती थी, अब आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। ऑटोमेटिक एसी को कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन इसके जो बटन वगैरह इनको इंटरफेस को चेंज कर दिया गया है। नीचे वायरलेस चार्जर का फंक्शन है वो नया जोड़ दिया गया है। स्टेयरिंग को नया कर दिया गया है, अब आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलेगा। क्रूज कंट्रोल पहले भी आता था, इस चीज को कंटिन्यू रखा गया है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल पुरानी डिजायर के अंदर भी हमें मारुति प्रोवाइड करवाती थी, अगेन कंटिन्यू इस चीज को रखा गया है। MID की बात करें तो ये पहले भी हमें डिजिटल सेमी डिजिटल के अंदर मिलते थे, अगेन इस चीज को भी कंटिन्यू रखा गया है। डोर्स की बात करें तो आपको पावर मीटर कंट्रोल पहले भी मिलते थे, अगेन इन चीज को है वो सेम कंटिन्यू रखा जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। एंड पीछे की ओर आपको रियर एसीमेंट्स पहले भी मिलते थे, आगे भी रखे जाएंगे। बूट स्पेस में कोई भी बड़ा चेंजेस है वो नहीं है। इस गाड़ी के डायमेंशन को लेकर बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लुक वगैरह के अंदर बड़ा चेंजेस है वो किया गया है। नया शार्कमिन एंटीना भी आपको मिलने वाला है जो पुराने डिजायर के अंदर नहीं मिलता था। लॉन्च डेट अभी इस गाड़ी की नहीं आई है, जल्दी वो आने वाली है। अगर आप 8 से लेकर 10 लाख रुपए बीच में कोई गाड़ी देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेना। मारुति एक अच्छे पैकेज के साथ में डिजायर को लेकर आने वाली है। जब इस गाड़ी लॉन्च डेट रिवील होगी, सबसे पहले मैं अनुराग चौधरी आपको प्रोवाइड वो करवाने वाला हूं। तो गाइस मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।